सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। सी और डी दो पार्टनर है फर्म के अंदर। सी कहता है मैं कैपिटल लगाता हूँ 10,000 और डी कितना लगाता है 6,000। इंटरेस्ट कहता है हमें 6% पर एनम से मिलना चाहिए। डी कहता है मेरे को क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए कितनी 300 रुपये पर मंथ, ठीक है 300 पर मंथ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए इनको 6% पर एनम, ठीक है। और डी को क्या मिलेगी है सैलरी मिले कितनी 300 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने कितनी हो जाएगी 3600, 3600 पूरे साल की हो जाएगी। कहता है इन 2015-16 प्रॉफिट हमारे को कितना हुआ 8,000 हुआ बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, ना तो इंटरेस्ट काटा गया ना ही सैलरी काटी गई, तो डिवाइड करो ये किसके बीच में, पार्टनर के बीच में, सी और डी के बीच में, ठीक है ना। अगर हम बात करें सबसे पहले क्या देनी है, एक तो सैलरी भी देनी है इनको और एक इंटरेस्ट हो ना कैपिटल भी देना है, तो दे यहाँ क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारे को 8,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन कहता है कितना देना है इनके ऊपर 6% देना है, तो 10,000 के ऊपर अगर 6% देंगे 1% लेना है तो 2 0 काट दो तो कितना हो जाएगा 100, 6% है तो कितना हो जाएगा ये 600, इसका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1% 6% चाहिए तो 360, ठीक है। ये क्या बन जाएगा उनका इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है ये सी को और डी को, सी को कितना देना है 600 और डी को कितना देना है 360, तो ये कितना हो जाएगा 960। यहाँ क्या लिखेंगे सी और डी, ये भी सी और डी, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, साथ साथ करते चलते हैं तो इजी रहता है। कितना है ये 10,000 और यहाँ पर कितना है 6,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है बाय क्या मिला है हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है 6,000 और यहाँ कितना मिला है 6,000 नहीं 600, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना 600 और ये 360, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सैलरी देनी है किसको डी को, तो क्या लिखेंगे टू डीज कैपिटल अकाउंट कितनी देनी है 3600, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3600, यहाँ क्या लिख देंगे बाय सैलरी, ठीक है, किसको देनी है ये डी को देनी है, कितनी देनी है ये 3600, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है, प्रॉफिट लॉस को बांट दो सी डी में, जब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं डिफाइन की तो हम क्या करेंगे इक्वल ट्रीट करेंगे और जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम इक्वल बांट देंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट सी के अकाउंट में और डी के अकाउंट में, टोटल कितना था हमारा 8,000 था टोटल, ठीक है, और 8,000 में से कितना माइनस हो चुका है 8,000 में से 960 तो एक माइनस हो चुका है और क्या हो चुका है 3600 एक माइनस हो चुका है, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 3440, यहाँ कितना आ जाएगा 8,000, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करो टू से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1720, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1720, यहाँ क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना है हमारे पास 1720 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1720। उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है तो अब कंप्लीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ कितना है 6,000 प्लस 360 प्लस 3600 प्लस 1720, ठीक है 1720, तो मेरे पास कितना बनेगा यहाँ पर 11,000, कितना बनेगा ये 11,680, यहाँ भी कितना आ जाएगा 11,680, यहाँ भी कितना आ जाएगा 11,680, ये क्या लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है और ना ही कोई ड्रॉइंग की है पार्टनर ने। नेक्स्ट कहता है मेरे पास कितना है 10,000, ठीक है, तो 10,000 के अंदर ऐड कितना करोगे प्लस करोगे 600, ठीक है, प्लस क्या करोगे आप 1720 प्लस करो 1720, तो मेरे पास कितना बचता है ये मेरे पास आता है 12,000
320, यहाँ कितना आ जाएगा 12,320, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 12,320। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है, ऐसे आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।